हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी खैरियत से होंगे। तो देखिए, चलते हैं आगे। हमारा जो नाइन्थ बायोलॉजी में टॉपिक है आज का, वो है बोन। देखिए, बोन से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, ठीक है। अस्थि या हड्डी, हड्डी क्या होती है, ठीक है ना। हड्डियाँ जो होती हैं जंतुओं के अंदर पाए जाने वाली, वो ऊतक होते हैं जो मजबूती प्रदान करते हैं, तो जो दृढ़ता प्रदान करते हैं, बॉडी का आकार प्रदान करते हैं। भाई ये जंतु को क्या करना है, जंतु को दबाव से बचाते हैं, ठीक है। जंतु जो होता है अपने पूरे शरीर का भार किसकी वजह से संभाले रखता है, हड्डियों की वजह से। अगर कोई हड्डी टूट जाती है तो वो अंग क्या होता है, प्रभावित होता है, सही से मोशन भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है भाई। तो उस अस्थि के बारे में बात करेंगे, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का ऊतक होता है। इसमें जो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, वो बड़ा सघन होता है, यानी कि बड़ा कठोर होता है। किसकी वजह से होता है वो, ऑसिन प्रोटीन, ऑसिन प्रोटीन की वजह से। किसकी वजह से, ऑसिन प्रोटीन की वजह से उसका जो क्या होता है, मैट्रिक्स यानी कि जो प्लाज्मा होता है वो बड़ा सख्त होता है, ठीक है भाई। इसमें यहाँ पर ये इस तरीके से फैली हुई होती है कोशिकाएँ, तो ये इसी के अंदर क्या होता है, ऑसिन प्रोटीन और फास्फेट कार्बोनेट्स, ठीक है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट्स, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट्स होता है, फास्फेट मैग्नीशियम होता है, जिसकी वजह से अस्थि जो होती है बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, ठीक है, जो दृढ़ता प्रदान करती है, जो क्या करती हैं, सुरक्षा यानी कि बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से होता है। तो अस्थि के कार्य के बारे में बात करते हैं। अस्थि के कार्य क्या क्या होते हैं, तो कार्य के बारे में देखिए। कार्य जो होता है, कह रहा है कि ये पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार बने, यानी कि अस्थि पंजर, देखिए हमारे पूरी कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र में क्या है, स्कल है, नीचे क्या गर्दन है, फिर इसमें दोनों हाथ हैं, नीचे ये चेस्ट होगी, फिर ये रीढ़ की हड्डी होगी, और फिर क्या है, दोनों टांगे हो गई। तो ये सब क्या है, एक पंजर का निर्माण हुआ है, एक कंकाल का निर्माण हुआ है, जो क्या करती है, किसी पंजर का निर्माण करके हर एक जंतु का ढांचा अलग अलग होता है। वो किसकी वजह से होता है, वो उसके कंकाल तंत्र की वजह से होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट कह रहा है कि ये मांसपेशी और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा प्रदान करती है। भाई सारी मांसपेशियाँ जो हैं इसी पर ही लगी होती हैं, ठीक है। सारे का सारा मैंने आपको बताया कि भाई कंकाल के बिना बॉडी, किसी की बॉडी क्या हो सकती है, वो अपनी जगह नहीं टिकी रह सकती है। क्या अगर टूट जाए तो क्या होता है, लंगड़ा करके चलने लगेगा, सही तरीके से काम नहीं करेगा कोई भी जंतु, ठीक है भाई। तो ये क्या होता है, ये सहारा प्रदान करती है पेशियों को, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे हर एक अंग अच्छी तरीके से कार्य कर सकता है। आगे कह रहा है, अस्थि मज्जा की कोशिकाएं रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है, हड्डियों के अंदर। हड्डियाँ जो होती है, देखिए आपने देखा होगा, ये जिस तरीके से मान लीजिए हड्डी है, ठीक है भाई, तो ये हड्डी है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा प्राय, इस हड्डी के अंदर यहाँ पर ये इस तरीके का पदार्थ भरा होता है, यहाँ ये पदार्थ भरा होता है, जिसे आमतौर से मुख बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे मुख बोलते हैं यहाँ। तो ये बोला जाता है अस्थि मज्जा, क्या बोला जाता है, अस्थि मज्जा, क्या कहा जाता है, अस्थि मज्जा, या बोन मैरो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, बोन मैरो, क्या बोलते हैं इसको, बोन मैरो। अब ये बोन मैरो क्या करता है, इसका वर्क क्या होता है, बोन मैरो का वर्क ये होता है कि ये बहुत सारी सेल्स को अपने अंदर फॉर्मेट करता है, यानी कि निर्माण करता है, और यानी कि जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं उनका निर्माण करता है, और उनको क्या होता है, उनको ये देता है, किसको, हमारी बॉडीज को ये देख प्रदान करता है, ठीक है भाई। तो ये था आज आपका क्या, बोन का कार्य, और बोन के बारे में मैंने आपको समझाया। इससे अलावा आज जो है नेक्स्ट है हमारा क्या, स्नायु एवं कंडरा। इससे अलावा टॉपिक है हमारा स्नायु एवं कंडरा, तो उसके बारे में बात करते हैं। स्नायु एवं कंडरा ये दूसरा टॉपिक है आपका, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्नायु की, ठीक है भाई। हाँ, तो ये क्या होता है, स्नायु बहुत लचीला और मजबूत तंतु होता है, इसमें हाँ भाई लिंगामेंट्स, इसे स्नायु को क्या बोलते हैं, स्नायु लेकर चलते हैं पहले, स्नायु जो है ये हमारा लिंगामेंट कहा जाता है, लिंगामेंट।
अब ये क्या करता है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा लचीला होता है, मजबूत होता है, साथ में ये क्या कार्य करता है, ये कार्य करता है, इसके जो ऊतक होते हैं ये दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। देखिए हमारे जोड़ हैं, हमारी उंगलियों में भी हड्डियाँ हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं, इससे जुड़ी हुई हैं, हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, कोहनियाँ जुड़ी हुई हैं, तो इससे आपस में हड्डियाँ जो हैं ये जुड़ी हुई हैं। वो किसकी वजह से जुड़ी हुई हैं, लिंगामेंट की वजह से, ठीक है। क्यों क्यों जुड़ी, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लचीले होते हैं और मजबूत होते हैं, ठीक है। लचीला होने की वजह से हड्डियाँ क्या, हड्डियों के अंदर आपस में होने वाली क्रिया है, दबाव को सहन लेती हैं, सहन कर लेती हैं, ठीक है भाई। तो ये ज़्यादा मजबूत होता है। कंडरा भी, कंडरा जो होता है, कंडरा को क्या बोलते हैं, टेंडन्स, क्या बोलते हैं, टेंडन्स। तो कंडरा में देखें आप, कंडरा को इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन्स, क्या बोलते हैं इसको, टेंडन्स। तो ये क्या हो गया हमारा लिगामेंट, ये हमारा टेंडन्स, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, यहाँ पर यहाँ तो क्या होता है, देखिए दो हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी कोहनी हो गया, हमारी उंगलियों की हड्डियाँ हो गई, हमारे टांग की हड्डियाँ हो गई, आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन टेंडन्स जो होती हैं ये कम लचीली होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये जो करती हैं, ये पेशियों को, हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़े रखती हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं इन पेशियों की वजह से ही, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, ये मजबूत और सीमित लचीलेपन वाला रेशेदार ऊतक है। ये क्या होता है, ये मजबूत तो होता है लेकिन सीमित, ज़्यादा देखिए हम लचकदार हैं हमारी, हाँ ये इस तरीके से हम खींचेंगे कोई याद है तो लचक जाएगा, जबकि हमारी मांसपेशी जो होती हैं वो क्या है, कम लच, इस वाली मांसपेशियों का जो होता है, ये टेंडन्स के जो होता होते हैं कम लचीले होते हैं, सीमित लचीले होते हैं, जो मजबूत होते हैं और साथ के साथ क्या करते हैं, ये हड्डियों से जोड़े रखते हैं। तो देखिए ये इसमें स्नायु यानी कि लिंगामेंट ये हड्डियों से हड्डियों को जोड़ेगा, ठीक है। किसको जोड़ेगा, बोन से बोन को, बीवी लिंगामेंट बोन टू बोन जोड़ेगा, बोन टू बोन जोड़ेगा। और ये टेंडन जो होता है हमारा बोन बी टू एम, इस पर याद रखना बी टू एम, या मांसपेशियों को या पेशियों को हम बोलते हैं, जो हमारी पेशियाँ होती हैं उसे बोलते हैं हम मस्कुलर बोलते हैं मसल्स। तो बी टू एम यानी कि बोन टू मसल्स, यानी कि हड्डियों को मसल से जोड़ता है और ये बोन टू बोन जोड़ता है। ओके, ये था आज का आपका इतना सबक, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कभी से, ठीक है भाई। ओके, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।